मार्केट अपडेट्स। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अफरोज मर्चेंट साहब, इनसे हम फ्रंटियर मार्केट के बारे में भी सवाल करेंगे कि आगे फ्रंटियर मार्केट में डॉलर की वजह से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, और इस वक्त कौन कौन से सेक्टर हैं जिनमें इन्वेस्टर्स को बाइंग करनी चाहिए। न्यू इन्वेस्टर के हवाले से भी हम इनसे पूछेंगे कि उनके लिए इस वक्त मार्केट में इन्वेस्टिंग करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त जो मार्केट की कंडीशन है, लास्ट मंथ जो TRG की वजह से हुआ था उससे मार्केट पे जो इम्पैक्ट पड़ा था, अब इन फ्यूचर मार्केट आपको कैसी दिख रही है? देखिए, मार्केट आज इमर्जिंग मार्केट में हमारा आखिरी दिन था, कल से हम फ्रंटियर मार्केट में जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी हम फ्रंटियर मार्केट में रहे तो मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म किए, क्योंकि फ्रंटियर मार्केट में हम तीसरी बड़ी मार्केट होंगे आफ्टर वियतनाम एंड बांग्लादेश। तो इस वजह से फ्रंटियर मार्केट में मैं समझता हूँ कि पहला दिन कल जो आगाज़ हो रहा है बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, और हम समझते हैं कि इवेंचुअली मार्केट जो है वो फ्रंटियर मार्केट में रहते हुए जो ऑल टाइम हाई इंडेक्स जो 4 साल पहले अचीव किया था उसको भी विद इन अ ईयर मैं समझता हूँ बीट करेगी। डॉलर की वजह से कोई फ़र्क तो नहीं आएगा आगे फ्रंटियर मार्केट में? नहीं, देखिए, डॉलर का उससे कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि फ्रंटियर मार्केट से अगर इन्वेस्टमेंट्स आएगा, क्योंकि फॉरेनर्स आज तक जो बेच रहे थे, जो सिर्फ इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको आज बेचना लाजमी था, आखिरी दिन था आज, तो वो सेलिंग तो रुक जाएगी। और प्लस कल से फ्रंटियर मार्केट की बाइंग आएगी, जो आज बाई नहीं कर सकते क्योंकि हम इमर्जिंग मार्केट का हिस्सा थे। तो फ्रंटियर मार्केट जब फॉरेनर्स की जब बाइंग आएगी तो डॉलर्स तो हमारे पास आएंगे, तो डॉलर्स आएंगे तो जाहिर है कि वो डॉलर तो बल्कि रुपी अप्रिशिएट होगा, डॉलर गिरेगा। अच्छा, 14 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी की डेट है, उसके हवाले से आपको क्या लगता है? देखें, गवर्नर स्टेट बैंक ने और मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस चेंज हुआ, कोविड का जो पीरियड था ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, हमारे मुल्क में बहुत कम हो गया है। तो उसमें नेगेटिव इंटरेस्ट रेट वो था, इन्फ्लेशन से जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत कम था। अब इन्होंने कहा जितना इन्फ्लेशन है उतना ही हम इंटरेस्ट रेट करेंगे, पॉजिटिव थोड़ा सा होना चाहिए, रियल इंटरेस्ट रेट जिसको कहते हैं। तो इन्फ्लेशन तकरीबन 10% होपफुली आएगा, ऐसा मालूम हो रहा है 10.5 और 10 के दरमियान। तो 9.5% ये पॉलिसी रेट है, इनको मैं समझता हूँ 100 बेसिस पॉइंट तो बढ़ाना होगा। तो 14 दिसंबर को जो पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, मैं समझता हूँ 9.5 से 10 हो जाएगा। अभी जो नया वायरस आया है उससे हमारी मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? देखें, ये जो नया वेरिएंट आया है कोविड का ही है, लेकिन अब ये तो सिर्फ हमारी मार्केट नहीं पूरी दुनिया को हिला सकता है। जैसा डेल्टा जो आया था वेरिएंट, इंडिया से शुरू हुआ था और पूरी दुनिया को उसने डिस्टर्ब किया, ये वेरिएंट साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ है। लेकिन अब 2 हफ्ते कम से कम साइंटिस्ट कहते हैं हम रिसर्च करेंगे, उसके बाद हम कोई नतीजे पे आएंगे। अच्छी बात यह है कि अब वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए डेल्टा का जिस तरह से इम्पैक्ट आया था, मैं समझता हूँ उस किस्म का इम्पैक्ट इसका नहीं आया जी। हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो कैसे खड़ा रहेगा डॉलर के मुकाबले में, रुपये की जो कदर है वो कैसे बरकरार रहेगी? देखिए, ये तो लॉन्ग टर्म में अभी तो ठीक है, हमें सऊदी अरेबिया से $3 बिलियन आ जाएंगे, मजीद $1.2 बिलियन की वो ऑयल फैसिलिटी दे रहे हैं, $1 बिलियन IMF से आ जाएंगे। तो ये लेकिन लॉन्ग रन में आप देखें तो एक्सपोर्ट्स अगर मुल्क की बढ़ती है तभी जाके आपका रुपी कंट्रोल होता है, करेंसी कंट्रोल होती है। तो मैं समझता हूँ ये नवंबर का फिगर्स भी हमने सुनने में आ रहा है कि $3 बिलियन के करीब होगा, यानी इट इज़ गोइंग टू बी द हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स किसी महीने में 75 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री में, एक महीने में $3 बिलियन का एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। तो ये खुशाइन बात है, लेकिन उसके साथ साथ इम्पोर्ट्स में भी कमी आनी चाहिए। तो इम्पोर्ट्स में कमी भी आनी चाहिए और एक्सपोर्ट्स मुसलसल बढ़ता रहना चाहिए। अगर ये चीज़ें हो तो हमारे रुपी में जो प्रेशर है वो ख़त्म हो जाएगा। एक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहा जाता है इकोनॉमिक्स में, वो 95 पे है, यानी रुपी इस वक्त हमारा जो है ओवर वैल्यूड नहीं है, अंडर वैल्यूड है 5%। तो हमारे 6-7 रुपये कम हो सकते हैं, रुपी जो है वो 170-175 के दरमियान मैं समझता हूँ ये आ जाएगा। जैसे $3 बिलियन सऊदी अरबिया से आते हैं, $1 बिलियन IMF से आते हैं, तो ये जो है रुपी मैं समझता हूँ ये आ जाएगा अराउंड 170 के करीब आ जाएगा दोबारा। डॉलर की जो है वो रुपये के मुकाबले में बढ़ने की एक वजह ये भी देखी जाती है कि हम लोग जो है वो धड़ाधड़ इम्पोर्ट कर रहे हैं। जी जी जी, इसकी वजह से भी जो है ना वो
हमारा रुपया और गिरता जा रहा है। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया है और इस तरह से भी मीडिया में आ रहा है कि ये जो गाड़ियाँ इम्पोर्ट करते हैं, असेंबलिंग नहीं, गाड़ियाँ फुल्ली गाड़ियाँ इम्पोर्ट करते हैं, लग्जरी कार्स और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ये सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट इम्पोर्टेड कार्स में बैंड उसको बैंड कर देगी, तो वो इम्पोर्ट कोई नहीं कर सकेगा। तो ये कुछ ऐसे इकदाम लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से मजीद हमारी इम्पोर्ट्स कम होगी। हमारी मार्केट जो है पाकिस्तान की, स्पेशली जो हमारी स्टॉक मार्केट है, वो इतनी वीक क्यों है कि अगर कोई भी ट्रेजेडी होती है, कोई भी इशू होता है, तो वो फौरन से प्रेशराइज हो जाती है, मार्केट माइनस में चली जाती है, मार्केट गिर जाती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारे मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है वो सिर्फ 2.5 लाख इन्वेस्टर है 22 करोड़ की आबादी में, तो ये इन्वेस्टर्स अगर ज़्यादा हो तो मार्केट इतनी ज़्यादा नहीं गिरे या एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़े भी नहीं, ना एकदम से कोई मार्केट बढ़ जाए वो भी इतना मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है, और एकदम से गिर जाए वो भी अच्छा नहीं है। तो नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स अगर बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये अवेयरनेस और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जिसकी वजह से अगर इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे तो मार्केट में स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। तो हमारे पाकिस्तान में लोग क्यों स्टॉक मार्केट की तरफ जो है वो मुतवज्जा नहीं होते, क्यों यहाँ पे इन्वेस्टिंग जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते? आगे देखा जाए तो बांग्लादेश जैसे मुल्क में भी जो है वो इतने इन्वेस्टिंग होती है स्टॉक मार्केट में, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ की आबादी भी इतनी ज़्यादा है, जहाँ पर लोग माली हालात से भी बहुत परेशान हैं, जो कमाना भी चाहते हैं फिर भी वो सरफ नहीं आते। देखिए, मैं तीन चीज़ें कहूँगा, जो आते भी हैं उसमें भी 80% से जो ज़्यादा है, मैं सबसे बड़ी वजह समझूंगा, जो अगर आप मुझसे तीन वजह पूछें कि क्यों हमारे मार्केट में लोग कम आ रहे हैं, एक नंबर वन है एजुकेशन, नंबर टू है एजुकेशन, और नंबर थ्री भी एजुकेशन है। हमारे मुल्क में एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है, और ये फाइनेंशियल जो एजुकेशन है, अगर हम वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रोकरेज हाउस है पाकिस्तान में, 64 साल हो गए, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता, 10 में से 9 लोग आते थे मार्केट में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते थे और पढ़ने की सलाहियत भी होती थी और आते थे। अब 10 में से 9 लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, 10 में से सिर्फ 1 शख्स जो है यहाँ जो पैसा लगा रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ता है, और वो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स लेता है जिसमें अर्निंग्स हिस्ट्री है, डिविडेंड हिस्ट्री है। 90% अनफॉर्चुनेट जो आते हैं वो भी फिर जब उनका नुकसान होता है, तो अगर कोई एक शख्स का नुकसान होगा तो वो 10 जनों को कहेगा, फ़ायदा होगा तो शायद 1 जने को कहेगा। तो ये एजुकेशन इज़ द की, कि ये स्टॉक एक्सचेंज की भी जिम्मेदारी है, हमारे ब्रोकरेज हाउसेस की भी जिम्मेदारी है, हमारे एपेक्स रेगुलेटर SECP की जिम्मेदारी है कि अवेयरनेस सेशन, और हमारे मीडिया की भी जिम्मेदारी है। मैं आपको बताऊँ, BBC और CNN आपने सुना होगा, वो न्यूज़ चैनल है, वो बिज़नेस चैनल नहीं है, ब्लूमबर्ग बिज़नेस चैनल है, 24 घंटे ब्लूमबर्ग बिज़नेस पे वो टॉपिक्स पे होता है, लेकिन ये न्यूज़ चैनल है, उसके बावजूद ये 2 से 3 घंटा रोज़ाना न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और लंदन स्टॉक एक्सचेंज और उनको ये कवर करते हैं। हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल है, बड़े बड़े चैनल है, मैं समझता हूँ इनको भी जियो जैसा इतना बड़ा चैनल है उसको कैपिटल मार्केट में 1-1.5 घंटा रोज़ाना देना चाहिए, हर बड़े चैनल को मैं समझता हूँ कैपिटल मार्केट के लिए देना चाहिए। CNN में तो आप देखें मार्केट जब खुलती है तो वो बेल बजाते हैं, कंपनी से आते हैं रोज़ाना, जब मार्केट बंद होती है जब भी वो लोग आते हैं वो पूरा लाइव ये रोज़ाना दिखाते हैं 2x a day, और 1-1.5 घंटे का बीच में डिस्कशन भी होता है कैपिटल मार्केट पर। ये फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो लेना भी चाहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो उसकी तरफ आना ही नहीं चाहते, तो जो कुछ लोग हैं हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, जिनको शौक है स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेने का भी, तो उनके लिए ऐसा कैसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो फाइनेंशियल एजुकेशन सही तरह से हासिल कर सकते हैं? देखिए, ये एक तो इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स है जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के तहत ही एस्टेब्लिश हुआ है, और वो काफ़ी कोर्सेज करा रहे हैं, मैं समझता हूँ और मज़ीद उनको ज़्यादा पैमाने पे कराना चाहिए, लेकिन और भी बड़े बड़े इदारे हैं, मैं समझता हूँ इनको ये कोर्सेज जितना हम ट्रेनिंग एजुकेशन देंगे तो वो, लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ सिर्फ ये एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, वो ये स्टॉक मार्केट पे और कैपिटल मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स पे कोर्सेज करा रहे हैं। हमारी
स्टॉक मार्केट कोई फाइनेंशियल एजुकेशन वगैरह की कोई मतलब क्लासेस वगैरह सिखाती नहीं है? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज के वो सेशंस वो करते हैं या वो वेबसाइट में आप देखेंगे तो एजुकेशन पे वो मटेरियल है, गाइड भी इन्होंने बनाई है, लेकिन मैं समझता हूँ जो एक रेगुलर बेसिस पे सेशंस होने चाहिए कि कोई भी शख्स वो अटेंड करना चाहे, मैं तो समझता हूँ एवरी वीक कोई एक घंटे का सेशन होना चाहिए और कोई भी अटेंड करना चाहे, एंड इट शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो सेशन लिया जाए। इवन समवन लाइक मी, आई एम अवेलेबल फॉर माय असिस्टेंस कि भाई इतने 200 ब्रोकरेज हाउसेज हैं, बहुत सारे आपको ऐसे हैं जो आपको प्रोफेशनल ब्रोकर्स भी मिलेंगे और वो आपको उनको आप इनवाइट कर सकते हैं कि वो सेशंस कंडक्ट करें, यू नो, तो ये जब जाके हम इसको बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अच्छी इतनी अच्छी गाइडेंस दी है मुझे भी और हमारे देखने वालों को भी। उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और मेरी भी जो है ना एक रिक्वेस्ट है आवाम से कि वो फाइनेंशियल एजुकेशन लाजमी लें, क्योंकि इस वक्त के दौर में अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप हमेशा नुकसान ही उठाते रहेंगे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।